सीजो न्यूज, हर खबर आप तक। मुजफ्फरपुर का सुधा डेयरी प्लांट कांटी क्षेत्र के सदातपुर गांव में कई वर्षों से अवस्थित है। यह फैक्ट्री दूरदराज के लोगों को दूध पिलाने और मिठाई खिलाने में लगा है, तो फैक्ट्री से निकला केमिकल मिला पानी गांव के आसपास के किसानों के लिए नासूर बना हुआ है। विषाक्त पानी आसपास के किसानों के दर्जनों एकड़ जमीन में वर्षों से फैल रहा है, जिससे सैकड़ों फलदार वृक्ष सूख गए। बताते चले कि गांव के बीचों बीच निकले दरभंगा फोर लाइन में बने छोटी पुलिया के नीचे से वर्षों से जमा पानी अब लोगों के घर तक पहुंच गया है। इसके साथ ही सुधा डेयरी से सटे आसपास के तकरीबन 4 किलोमीटर के दायरे में पानी का बदबू इलाके में न सिर्फ बीमारी फैला रहा है, बल्कि पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचा रहा है। सुधा डेयरी से सटे दरभंगा फोर लाइन के समीप घनी आबादी होने से हजारों लोगों के लिए पानी की सरांध लोगों को जीना दुश्वार कर दिया है। इस समस्या को लेकर गुरुवार को स्थानीय ग्रामीण सुधा डेयरी के प्रबंध निदेशक से शिकायत करने पहुंचे। स्थानीय ग्रामीण रजनीश चौबे ने बताया कि प्रबंध निदेशक से वार्ता हुई है। उन्होंने इस गंभीर समस्या के निदान को लेकर लॉकडाउन के बाद पहल करने की बात कही है। साथ ही रजनीश चौबे ने कहा कि यदि लॉकडाउन के बाद सार्थक पहल नहीं की गई तो सुधा डेयरी का घेराव ग्रामीणों द्वारा किया जाएगा। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर सुधा डेयरी के प्रभारी प्रबंध निदेशक ने कहा कि हमारे प्लांट से निकला दूषित पानी का अवशेष आसपास में नहीं है। प्रतिदिन 10,000 लीटर पानी बाहर की ओर निकासी जो होती है उसमें कमी आई है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जो भी पानी निकलेगा उसका तालाब बनाकर संरक्षण करेंगे। ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस समस्या का निदान अति शीघ्र किया जाए। समस्या तो अभी बहुत बड़ी है। आप देख सकते हैं कि अभी हम सदातपुर पंचायत में खड़े हैं और हमारे सदातपुर पंचायत में यहाँ जो सुधा डेयरी प्लांट आप देख रहे हैं और उसका जो अविष्ट पानी है उसके कारण आप देख सकते हैं कि कितना जल जमा हुआ है और कई एक वर्षों से ये मूलभूत समस्या है। एक समय हुआ करता था जब यहाँ पे पूरा हरा भरा लीची का बगीचा हुआ करता था, जिससे यहाँ के हमारे जितने भी सदातपुर निवासी हैं जो उसे बेचकर उसके फल को बेचकर अपना जो है पालन पोषण किया करते थे। और आप देख सकते हैं, आपके तस्वीर के द्वारा हम दिखा सकते हैं आपके सीजो न्यूज़ के माध्यम के द्वारा कि आज पूरा जो है लीची बगीचा भी सूख गया है और यहाँ पे पूरा दलदल बन गया है। और कई एक दिनों से जो बारिश हुई है, कई एक महीने से जो बारिश हुई है उसके कारण जो आप देख सकते हैं समस्या कि पूरा पानी जो है, एक तो डेयरी का पानी, ऊपर से बरसात का पानी जो बहते हुए इस पुलिया के द्वारा हमारे पंचायत सदातपुर में जो है पूरा पानी जो घुसा है, जिस कारण लोगों का रहना जो है दुर्लभ हो गया है। और एक वैश्विक महामारी अभी जो कोरोना वायरस चला है उसके बाद से जो है ये एक तो अलग प्रकोप है। और एक इस पानी को आप देखिए कि ये सड़ने के बाद जो है और एक केमिकल जो है इसमें मिश्रित है, जो भी केमिकल से जो दूध बना है उसका पानी जो मिश्रित है, जिस कारण और भी लोगों का, छोटे बच्चे हैं जिसके कारण बहुत समस्या, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और कोरोना वैश्विक महामारी भी है, उसके अलावा जो है डेंगू, मलेरिया, फ्लैग, हैजा जैसे जो है बीमारी जो है पहले से पूर्व में भी थी और इसके कारण जो है और भी ज़्यादा जो है बीमारी जो है आ सकता है। इसीलिए हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस चीज को जो है बारीकी से दिखाएं। और ऐसे आज जो है हम लोगों ने सुधा डेयरी जो सदातपुर पंचायत के जितने भी हम लोग निवासी हैं आज एकजुट होकर आज हम लोग गए थे अपने सदातपुर पंचायत के सुधा डेयरी के एमडी से मिलने, तो उनसे बातचीत हुई। उन्होंने आश्वासन भी दिया है, बोला है उन्होंने कि हाँ अभी लॉकडाउन टूटने दीजिए तो उसके बाद जो है इस पर कार्रवाई होगी। इसलिए जो है आज हम लोग मिले हैं, अगर इस चीज पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग सुधा डेयरी का गेट जो है घेरने का काम करेंगे, उसके कार्य को जो है बाधा हम लोग करेंगे जिससे कि कार्य ना हो। और जब तक कार्य नहीं रुकेगा तब तक जो है इस समस्या का जो है निवारण भी नहीं होगा। सदातपुर पंचायत, सदातपुर कल्याण सेना, मैं रजनीश चौबे, सदातपुर निवासी, जय हिंद, जय भारत। पानी छोड़े जा रहे हैं गांव में। देखिए इस संबंध में अभी तो
बरसात का दिन है और पिछले साल से लगभग 40% वर्षा ज़्यादा हुआ है। हम लोग वर्षा के पानी जो नाही फोरलेन की पानी है वो हमारे डेयरी में आ जाती है, तो इससे हम भी प्रभावित हुए हैं और वर्षा की पानी फैल रहा है। हमारे डेयरी की बहुत ज़्यादा अवशेष नहीं है, लेकिन हमारे डेयरी में हम लोगों ने इसको जो भी हमारे यहाँ डेयरी से पानी निकलता है उसको हम स्वतः यहाँ ETP प्लांट में उसको स्वच्छ करते हैं और उसको बाहर हम उसको डिस्पोजल करते हैं। और पानी को कम करने के लिए हमने जो यहाँ से कैन में जो दूध संग्रहण करते थे उसको तुर्की ले गए। अब तुर्की में हमारा दूध का संग्रहण होता है, तो लगभग 10,000 लीटर जो पानी प्रतिदिन निकलते थे उसको हमने बंद कर दिया। कुछ दूध का पैकिंग हम लोग मोतिहारी में एक डेयरी बना करके और वहाँ पैकिंग कर रहे हैं, तो उससे भी पानी का जो निकलता था उससे भी कम हो रहा है। तो इस डेयरी पर पानी का लोड हम लोग लगातार कम कर रहे हैं और हम यहाँ के ग्रामीणों को यह आश्वासन देते हैं कि आने वाले दिनों में हम जो भी पानी निकलेगा हम स्वयं उसका तालाब बनाकर उसका संरक्षण करेंगे, उसका सफाई करेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारा ETP प्लांट भी अभी कार्यरत है और इससे जो न्यू टेक्नोलॉजी का जो प्लांट है उसके लिए भी हम लोग बनाने के लिए आगे कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए हमारी पूरी आश्वासन है और हम ये वचन देते हैं कि हमारे डेयरी के चलते किसी भी ग्रामीण को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यह डेयरी ग्रामीणों का है, ये आसपास के बच्चे ही इसमें काम भी करते हैं। तो आज ये मुजफ्फरपुर जिला में और इसके आसपास के जिलों में 7 जिला जो कार्य क्षेत्र है 1.5 लाख परिवारों को यहाँ से रोजी रोटी चलता है और 25 करोड़ प्रति महीना हम लोग किसानों को इसे पेमेंट भेजते हैं। तो यह इसे क्षेत्र में लोगों की आर्थिक विषय आर्थिक मदद करता है, लोगों को रोजी रोजगार देने में मदद करता है। तो फिर भी कुछ समस्या है तो उसको आगे हम लोग देखेंगे और ये हमारे पब्लिक का डेयरी है जिसके जनता ही कोऑपरेटिव है, तो हमारे किसान ही मालिक हैं। इसका कोई ऐसा ये नहीं है कि कोई सेठ साहूकार मालिक है कि वो अपने मर्जी से कर रहा है। इसकी प्रबंधन बिल्कुल दूध उत्पादकों के हाथ में है और हम लोग एकदम आश्वासन देते हैं कि जो भी हमारे आसपास के अगर किसान भाई या आसपास के जो हमारे लोग हैं जो उनको अगर कोई परेशानी है तो हम लोग बिल्कुल दूर करेंगे। हम लोग इसके लिए पशुपालन मंत्री माननीय पशुपालन मंत्री से DM साहब से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, यहाँ जो फोरलेन के जो नाही के जो ऑफिसर हैं उनसे भी संपर्क बना रहे हैं, उनको चिट्ठियाँ भी दे रहे हैं। आप चाहें तो हम उसके पूरे डिटेल दिखा सकते हैं कि हमारी क्या कार्रवाई हो रही है। तो मैं पुनः सभी भाई लोगों को भरोसा देना चाहता हूँ कि हम उनके लिए काम करेंगे, उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। अभी कोरोना काल में हम लोग लगातार शहर को और आसपास के शहरों को 1.5 लाख लीटर दूध और दूध का प्रोडक्ट उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे लोग हर प्रयास कर रहे हैं कोरोना से बचने का, हर जगह पर हम लोग सैनिटाइज करके काम करा रहे हैं ताकि किसी तरह का महामारी ना हो। आसपास के गांव में भी हम सैनिटाइज करा रहे हैं, पहले भी कराए थे और ये काम हमारा चल रहा है। इसलिए हम ये डेयरी लोगों को सेवा में लगी है और लगी रहेगी, ये आश्वासन देते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई तकलीफ है तो हमको समय समय पर सुझाव भेजिए, आपका सुझाव हम बिल्कुल सर आंखों पर लेंगे और उसके अनुरूप काम करेंगे। सर शुभ नाम बताइए। मेरा नाम हृदयानंद सिंह, मैं अभी प्रभारी प्रबंध निदेशक तिरहुत दूध संघ के पद पर कार्यरत हूँ और यहाँ के सारा मैनेजमेंट मैं देख रहा हूँ। पिछले 1 जुलाई 2020 से हम इस प्रभारी प्रबंध निदेशक बने हैं और मैं